हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरी चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ रेनुदर और आज टॉय सॉफ्ट टॉयज़ की सीरीज़ में लेके आई हूँ मैं ये हॉर्स। देखिए बहुत ही प्यारा सा हॉर्स बना हुआ है और आप भी लोग भी बना सकते हैं मेरी वीडियोस को देखकर। बहुत से लोगों ने बनाए भी हैं और मेरे साथ पिक्चर्स शेयर भी की हैं। बड़ा अच्छा लगा है, बहुत अच्छे बनाते हैं बहुत सारे लोग और शेयर करते हैं पिक्चर, तो मुझे बड़ा प्यारा लगता है। तो आज का ये सॉफ्ट टॉयज़ भी आपको अच्छा लगेगा, लेकिन इसका जो पैटर्न है वो आपको मेरी वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। इसका पैटर्न आपको मेरे से ख़रीदना पड़ेगा। मैं PDF फॉर्म में आपको व्हाट्सएप कर सकती हूँ इसका जो पैटर्न है वो। आप लोग मेरे को उसका रेट वगैरह और जो भी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, आप लोग मेरे को व्हाट्सएप कीजिए। जिसको भी पैटर्न चाहिए वो मेरे को प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिए, मैं वहाँ पे उनको रेट्स और ये बता दूँगी। कोरियर नहीं करूँगी क्योंकि आजकल कोरियर वगैरह हो नहीं रहे हैं। मैं व्हाट्सएप कर सकती हूँ PDF उनको जिनको भी ये चाहिए होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा हमारा हॉर्स है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए मटेरियल में सबसे पहले आपको कटिंग पैटर्न चाहिए, उसके अलावा आपको फैब्रिक चाहिए। फैब्रिक ये वोल्वो में मैं बना रही हूँ, इम्पोर्टेड फेल्ट या वोल्वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपल फेल्ट में भी बना सकते हैं और आप कारपेट में भी बना सकते हैं। तो ये मैं ले रही हूँ इस ब्राउन कलर का। आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी कलर लीजिए। ये चाहिए मेरे को कोई 30 सेंटीमीटर के करीब। ये भी मेरे पास ब्लैक वोल्वो है इसी सेम मटेरियल का। ये चाहिए मेरे को कोई 10 सेंटीमीटर के करीब। और इस तरह का छोटा सा टुकड़ा पिंक फेल्ट का भी चाहिए मेरे को, पिंक वोल्वो का। ये मेरे को छोटा सा टुकड़ा ही चाहिए। और मैं ले रही हूँ इसके साथ में ये लॉन्ग फर, जो मैं इसकी टेल वगैरह बनाने के लिए ले रही हूँ। ये मेरे पास ब्राउन कलर का ही है लॉन्ग फर, ये मैं ले रही हूँ। तो ये भी चाहिए मेरे को, कोई छोटा सा पीस ही चाहिए। वैसे अगर लेंथ के हिसाब से देखें तो कोई 25 सेंटीमीटर के करीब बनता है, तो ये चाहिए। सीज़र कट करने के लिए, पेन पेंसिल मार्क करने के लिए, और टेडी की आईज़, इस तरह की जो सिंपल आईज़ आती हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं। देखिए इसमें ना इस तरह का भी पैटर्न मिल जाता है, अगर आपको ये मिलता है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आप इस तरह से बीच में ये आईज़ फिक्स करके और इसको यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अगर आपको इस तरह की चीज़ मिलती है तो लगा दीजिए, नहीं मिलती है तो आप सिंपल भी इस तरह का आईज़ लगा सकते हैं। नहीं तो आप इस तरह की शेप ना ब्लैक फेल्ट में काट के और उसको यूज़ बीच में लगा सकते हैं। पॉलीफाइबर फाइबर वूल चाहिए कोई 300 ग्राम के करीब। देखिए अब बनाना शुरू करने के लिए पहला स्टेप होता है, आपने अपने फैब्रिक पे इस पैटर्न को मार्क करना है, इसका निशान बनाना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो अपना जो मटेरियल है, फैब्रिक है आपका, जो कपड़ा है आपका, उसको आपने उल्टा बिछाना है। यानी कि ये इसका सीधा तरफ है, ये इसका उल्टा तरफ है, तो आप उल्टे साइड पे इसको बिछाएंगे। अब आप कोई भी पीस लीजिए, जैसे कि देखिए ये इसकी मेन बॉडी का पीस है। ये 2 पीसेस काटने हैं, तो एक इस तरह से रख के काटेंगे और एक हमने रिवर्स करके काटना है, यानी कि इसको हम इस तरह से मोड़ देंगे। यहाँ पर आप इस तरह से भी मोड़ सकते हैं इसको और ऐसे भी मोड़ सकते हैं इस तरह से। तो अब आपने क्या करना है, इसको कपड़े पे रखना है इस तरह से, और पेंसिल पेन से या पेंसिल से चौक से आपने इस पर मार्क कर देना है। और उसके बाद में इसको रिवर्स इस तरह से पलटना है और दूसरा मार्क कर देना है। तो जो 2 पीसेज है वो 2 पीसेज इसी तरह से मार्क होंगे, जो 4 पीसेज है वो 4 पीसेज उस तरह से मार्क होंगे। तो सबसे पहले आपने इस पे मार्क करने के बाद में आपने सारी कटिंग कर लेनी है। जो टेल है इसकी, उसमें हम देखिए डायरेक्शन देखते हैं फर की। तो जैसे कि आपको पता है कि फर की डायरेक्शन नीचे की तरफ ये है, ये देखिए इसकी डायरेक्शन, तो सीधा ही पता लग रही है। इसी तरफ से आपने उल्टा कपड़ा बिछाना है, फिर इसके ऊपर जो मैं जब मेरे पैटर्न में ना आपको निशान मिलेगा बना हुआ एरो का, वो डायरेक्शन होता है फर की, तो आपने इसी तरह से रखना है इसके ऊपर और निशान बना के इसको कट कर लेना है। देखिए अब सारे पीसेस की कटिंग मैंने कर दी है, अब इसको ज्वाइन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका ईयर्स लेते हैं, जो कान है। ये मैंने ये 4 पीसेस काटने थे, 2 आपने इस तरह से रख के काटने हैं और 2 आपने रिवर्स इस तरह से करके। तो 2 मैंने पिंक में काटे हैं और 2 मैंने ये ब्राउन में काटे हैं। तो एक पिंक और एक ब्राउन को लेकर आपस में आपने सिलाई करनी है। तो इसको इस तरह से रखेंगे देखिए, और ये 2 साइड आप सिल देंगे आपस में, नीचे वाला साइड ओपन छोड़ेंगे। उसके बाद हम यहीं से इसको सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से आपने दोनों ईयर्स पहले इसके रेडी कर लेने हैं। देखिए ईयर्स मैंने सीधे कर लिए हैं ज्वाइन करके।
अब इनको थोड़ा साइड पे रखते हैं। अभी पहले हम इसकी बॉडी को रेडी करते हैं। देखिए ये हॉर्स की पूरी बॉडी है, ये भी दो पीसेस काटे हैं हमने, और इसके साथ में अब हमने ये लेग्स ज्वाइन करना है। फ्रंट लेग है और बैक लेग है, ये बैक लेग पे बैक लेग जुड़ेगा और फ्रंट साइड में फ्रंट लेग जुड़ेगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है L1, L2, L3, L4, तो यहाँ L1, L2, L3 और L4। अब आपने क्या करना है, ये इस तरह से जुड़ेगा यहाँ पर। आपने सबसे पहले ये L4 और L3 को ज्वाइन करना है, ये वाला हिस्सा अभी आपने ज्वाइन नहीं करना है, यहाँ वाला साइड ज्वाइन कर दीजिए। और इसी तरह से सेम जो ये वाला साइड है L5 और L6, ये आपने ज्वाइन करना है L5 से L6 तक, ये वाला हिस्सा अभी आप छोड़ देंगे। तो आप इसको इस तरह से रखिए, एक वाला पीस देखिए ऐसे रखने के बाद में इसके ऊपर आप सबसे पहले हम फ्रंट लेग जो है ये हमने ज्वाइन करना है, तो हमने ये वाला पोर्शन पहले ज्वाइन करना है जो मैंने आपको दिखाया L4 और L3 ज्वाइन करना है। L4 L3 जो ये हाइट वाला हिस्सा है ना, जहाँ पर ज़्यादा है वो इस साइड से आएगा और सेम बैक लेग पे इस साइड से आएगा, यानी जो बैक वाला लेग है इसमें ये वाला साइड आएगा ऊंचा वाला। तो आपने ये वाला साइड और ये वाला साइड पहले ज्वाइन कर लेना है। देखिए अब ये दोनों लेग्स हमने फ्रंट फ्रंट साइड से जोड़ दिए, ये भी फ्रंट साइड से, ये फ्रंट साइड से, बैक साइड अभी दोनों के हमें जोड़ने हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर नीचे इस जगह पे एक ये ब्लैक वाली पट्टी लगाते हैं। ये चार पीसेस आपने काटने हैं इस तरह से, तो ये जो गोल राउंड थोड़ा हल्का सा ये राउंड का हिस्सा है ये नीचे की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसको आपने यहाँ पर इस तरह से रख के इस तरह से सिल लेना है। तो जो जैसे ये है, ये वाली ब्लैक पट्टी है, इसको इधर रखिए और यहाँ से यहाँ सिलाई लगा दीजिए। तो सेम इस वाले को भी इस तरह से रखिए और यहाँ से यहाँ सिल लीजिए। अब ये देखिए ये नीचे की पट्टी हमने लगा दी है, अब इसका जो ये वाला हिस्सा है इसको भी अब आपने सिल लेना है। तो इसको यहाँ से इस इक्वल कीजिए बराबर, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ से यहाँ पूरी इस तरह से सिलाई लगा दीजिए। तो यहाँ साइड भी सिलाई लगाएंगे और इस वाले साइड भी आप बराबर करके इसको यहाँ तक आएगा ये सिलाई लगा दीजिए। इसको सिलाई लगाने के बाद में जो ये वाले हैं इनमें आपने फुट पैड जोड़ने हैं। तो ये जो फुट पैड है ये आप इस पर इस तरह से, जैसे कि बाकी टैडी वगैरह में आपने देखे होंगे मेरी वीडियोस में, इसको इस तरह से रखिए इसके ऊपर और पूरा राउंड करके सिलाई लगा के इसको फुट पैड ज्वाइन कर दीजिए। देखिए अब दोनों बॉडी के पीसेज में हमने जो इनर लेग्स से फ्रंट और बैक वो लगा लिए हैं। देखिए इसमें भी लग गए, इसमें भी लग गए, फुट पैड भी लग गया और नीचे ये जो इसका ये ब्लैक वाला है वो भी लग गया है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले देखिए ये इस जो इसकी बॉडी में है यहाँ पर एक तो ये डार्ट है टेल के पास में, इसको आपस में इस तरह से करके सिल दीजिए। एक डार्ट यहाँ पर ये नेक के पास में N2 लिखा हुआ है, इसको भी सिल दीजिए। इसको सिलने के बाद में आपने ये इसमें अंडर बॉडी ज्वाइन करनी है। देखिए ये यहाँ लिख रखा है N2 से, यहाँ से शुरू होएगी ये, इस पहले डार्ट बंद कर दीजिएगा, उसके बाद ये सिलना शुरू होएगा यहाँ से, और ये जो पोर्शन है ये यहाँ तक चला जाएगा टेल तक इस तरह से। तो ये आपको इस तरह से पहले ये डार्ट्स बंद कर दीजिएगा आप, उसके बाद आप इसको यहाँ से सिलना शुरू कीजिए। देखिए ये इस तरह से सिलेगा, ये वाला पोर्शन यहाँ से आएगा, यहाँ से शुरू कीजिए आप, ये जहाँ तक जाएगा वहाँ तक ले जाइए, ये जो इसका कॉर्नर है यहाँ तक इसको सिलेंगे, और उसके बाद में ये जो कट है ये इधर लेग का आ जाएगा, इसको इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए। फिर ये जो स्ट्रेट वाला पार्ट है ये स्ट्रेट वाले पार्ट से ज्वाइन होएगा, फिर ये वाला कट का लेग इस वाले लेग से, और ये यहाँ से जाके ये यहाँ N2 तक आ जाएगा, ये जो पोर्शन है ये यहाँ तक सिला जाएगा। यहाँ पर पहले डार्ट बंद कर दीजिएगा। इसी तरह से जो दूसरा साइड है उसमें फिर आप दूसरा वाला पोर्शन ज्वाइन करेंगे इस तरह से, फिर इसको यहाँ से, तो ये जो दूसरा वाला हिस्सा है वो आपके इस वाले हिस्से में ज्वाइन होएगा इस तरह से। ये लेग यहाँ पर आ जाएगी, ये टेल तक आ जाएगा, ये स्ट्रेट वाला पार्ट, फिर ये लेग वाला पार्ट, और ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा इस तरह से। तो नीचे का इसका अंडर बॉडी ज्वाइन हो जाएगा। ये देखिए अब ये नीचे का हमने जोड़ दिया, ये देखिए यहाँ से शुरू किया,
और ये दोनों लेग्स यहाँ ज्वाइन हो गए, तो ये अंडर बॉडी इसकी ज्वाइन हो गई है यहाँ तक। अब यहाँ पर मैंने, आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा छोड़ा है, पूरा यहाँ तक ज्वाइन नहीं किया है, वो इसलिए छोड़ा है कि जो ये वाला पोर्शन है इसमें आपने ये नेक का पीस लगाना है। ये देखिए यहाँ लिख रखा है मैंने N2 से N1, तो यहाँ पर इस तरह से इसको जोड़ना है पहले, और उसके बाद में ये पोर्शन आपका यहाँ से लेकर इस C तक जाएगा। ये यहाँ पर लिख रखा है मैंने C1, ये C1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा। यानी कि यहाँ तक तो आपका आ गया वो अंडर बॉडी का हिस्सा, ये डार्ट बंद हो गया, इसके बाद यहाँ से ये जुड़ना शुरू होएगा, ये और ये पूरा इस C तक जुड़ेगा। तो अब आपने क्या करना है इसको, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये थोड़ा सा इतना छोड़ दिया था। अब आप सबसे पहले तो इसको यहाँ पर ज्वाइन कीजिए इसके साथ में, इस तरह से इसको ज्वाइन करने के बाद में फिर आप पूरी यहाँ से सिलाई शुरू कीजिए और इसको पूरा यहाँ C1 तक पूरा ज्वाइन कर लीजिए इस तरह से, एक साइड से, और इसी तरह से सेम आपने दूसरी साइड से भी करना है। देखिए अब ये नेक जो है, अंडर चिन जो है, वो हमने ज्वाइन कर ली है, ये वाला पोर्शन, ये अंडर चिन था, ये ज्वाइन हो गया है इधर यहाँ तक, नीचे यहाँ तक ज्वाइन हो गया। अब जो यहाँ से है, ये जैसे M2 लिखा है और F1, यहाँ पर हमें इसका फोरहेड ज्वाइन करना है, तो ये इसका फोरहेड है, ये M2 से लेकर F1 आपने ज्वाइन करना है, यानी इस M2 से लेकर यहाँ F1 तक इसको ज्वाइन कर देंगे दोनों हिस्सों में बीच में। तो इसको यहाँ से पकड़िए इस तरह से, ये वाले कॉर्नर से ज्वाइन कीजिए और ये F2 तक यहाँ ले जाइए, और इसी तरह से जो दूसरा वाला पोर्शन है उसको दूसरे वाले साइड से ज्वाइन करके और यहाँ ले जाइए। इसको ज्वाइन करने के बाद में देखिए ये इसकी टांग है, तो ये हमने दो पीसेस काटे हैं पिंक कलर में, इनको सबसे पहले तो आप इधर आपस में जोड़ दीजिए, यानी कि ये जो दो टांग है इनको इस तरह से रखिए और इस जगह पर आप ज्वाइन कर लीजिए। देखिए अब ये फोरहेड ज्वाइन कर लिया है यहाँ पर दोनों साइड से। अब आपने क्या करना है, जो ये वाला, अब इसका देखिए माउथ बन गया है ये इस तरह से, ये यहाँ पर अब आपने ये जो टंग हमने यहाँ पर बीच में ज्वाइन किया था इसको अब हमने यहाँ जोड़ना है। सबसे पहले तो क्या काम कीजिएगा, इसको इस तरह से फोल्ड कीजिए और उसको सेंटर सेंटर का निशान लगा दीजिए, देखिए मैंने भी लगाया हुआ है चौक से। अब इस सेंटर को यहाँ से आपने लेना है, ये जो फोरहेड है हमारा इसका भी आपने सेंटर ले लेना है, इस तरह से रखिए और उसको एक सेंटर का मार्क लगा दीजिए यहाँ पर इस तरह से, और इसको यहाँ से अब आपने ज्वाइन करना है इस तरह से, ये लीजिएगा सेंटर से ही, क्योंकि नहीं तो अगर सेंटर से नहीं लेंगे तो ये थोड़ा सा शेप इसकी बिगड़ जाएगी, तो हमेशा सेंटर से ही सिलाई शुरू कीजिए। तो ये सेंटर का निशान लगाया, इस सेंटर को जोड़ते हुए आपने इस तरह से, जो ये वाला जोड़ है ये आपके इस कट में आ जाएगा यहाँ पर, और सेम यहाँ से घूमता हुआ ये बिल्कुल, ये जो अब इसका जो नीचे नेक का पोर्शन था उसका सेंटर लेते हुए इसका सेंटर, और ये इस तरह से पूरे राउंड में आप इसको बंद कर दीजिए। देखिए ये इस तरह से राउंड में ज्वाइन हो गया है, इसकी टंग बन गई है ये। अब हमने क्या करना है, देखिए अब इधर आते हैं हम, ये वाला पोर्शन तो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ तक F1 तक, अब हमने यहाँ वाला पोर्शन कंप्लीट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने ईयर्स जोड़ने हैं, तो जो हमारे ईयर्स हैं उसको हमने इस तरह से फोल्ड करके और यहाँ पर इस तरह से लगा देना है, ऐसे रख के ऊपर से ये सिलाई मार दीजिए तो इस तरह से ये ईयर लग जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसको इस तरह से आप पहले बंद कर दीजिए यहाँ और यहाँ, ऐसे करके सिलाई लगा दीजिए पहले, ये देखिए इस तरह से मैंने लगा दी है सिलाई। सिलाई लगाने के बाद में जो ये वाला कट है इसके बीच में आपने रखना है, ध्यान रखिएगा पिंक पोर्शन अंदर की तरफ होएगा, तो इसको यहाँ पर रखिए, ये जो कट है ये वाला, ये जो ये वाला कट है मैंने ईयर्स लिख रखा है, इसी पे आपने रखना है बिल्कुल सेंटर में इस तरह से, और ऊपर से ये वाला पोर्शन रखिए और इसको इस तरह से सिलाई लगा दीजिए। ये देखिए अब ये ईयर्स दोनों, ये देखिए इधर और इधर जोड़ दिए हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए ये इस जगह तो ईयर जुड़ गए, अब जो ये वाला पोर्शन है ना इसको अब आपने आपस में इस तरह से डार्ट को सिल लेना है। तो जो ये वाला पोर्शन है ईयर्स को करेंगे हम अंदर, और ये वाला जो पोर्शन है इसको यहाँ पर इस तरह से रखिए और ऐसे एक सिलाई लगा दीजिए, और सेम इसी इस दूसरे साइड से भी इस तरह से रखिए इसको आपस में और डार्ट को सिलाई लगा दीजिए, और उसके बाद हम यहाँ पर इसकी आईज भी लगा सकते हैं,
तो पहले ये डार्ट सिल लीजिए और उसके बाद में आगे का करेंगे। देखिए अब डार्ट्स भी बंद हो गए हैं। अब हमने इसको यहाँ पर ज्वाइन करना है ऊपर का पोर्शन, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर इसके वो जो बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, वो लगा देंगे। तो जैसे ये वाला पोर्शन है, देखिए यहाँ से ये तो हमने डार्ट बंद कर दिया। अब यहाँ वाले पोर्शन में हम इसका ये इस तरह का मैंने कट किया हुआ है, ये मैंने लॉन्ग फर में काटा है, इसको मैं इस तरह से रख के और यहाँ ज्वाइन कर लूँगी। ये पहले मैं दोनों साइड से करूँगी क्योंकि मैंने इसके दो पीसेस काटे हैं। ये देखिए मैंने इसके दो पीसेस काटे हैं, तो इसको सबसे पहले आपने सीधे साइड में ज्वाइन कर लेना है। जो सीधा साइड है इस डार्ट से इसको लीजिए और डार्ट से यहाँ से लेके यहाँ तक आप सिलाई लगा दीजिए। सेम इसी तरह से यहाँ से ये वाला साइड इस तरह से यहाँ पर इस तरह पहले इसको जोड़ दीजिए अलग अलग, ये इस वाले पोर्शन में सीधे साइड से और ये इस वाले पोर्शन में सीधे साइड से। ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों साइड में पहले इसकी सिलाई लगा दी है, ये इस तरह से बंद हो गया। अब हम इसको यहाँ से ज्वाइन करना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ से ज्वाइन करना शुरू कीजिए इस तरह से, और यहाँ पर आपस में जोड़ते हुए यहाँ तक ही जोड़ दीजिए। इतना पोर्शन आप छोड़ दीजिए क्योंकि हमने इसको फिल भी करना है, सीधा भी करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर ये पोर्शन छोड़ सकते हैं जिसमें हम इसको फिल करेंगे और सीधा करेंगे। और इतना पोर्शन छोड़ने के बाद में अब यहाँ का पोर्शन भी आपने सिल लेना है, और उसके साथ साथ में ये जो इसमें जो अंडरबॉडी में ये कट था यहाँ पर हमने टेल ज्वाइन करनी है इसकी, यहीं पर यहाँ पर टेल ज्वाइन करनी है। और यहाँ से भी फिर टेल ज्वाइन करते हुए हम यहाँ तक आ जाएंगे और यहाँ से यहाँ इतना पोर्शन हम छोड़ देंगे जहाँ से हम इसको सीधा करेंगे। तो देखिए अब ये यहाँ तक मैंने सिल दिया है और अभी यहाँ तक छोड़ दिया है मैंने, ऊपर से इसको सिलाई लगा दी है। अब हमने क्या करना है, इसकी टेल रेडी करनी है और उसके बाद में जो ये अंडर बॉडी का जो हमारा ये डार्ट था सेंटर वाला, यहाँ पर हमने ये टेल ज्वाइन करनी है। टेल बीच में ज्वाइन करने के बाद में आपने यहाँ तक बस सिल दीजिए और इतना पोर्शन आप छोड़ दीजिए, यहीं से हम इसको सीधा करेंगे और फिर इसको फिल करेंगे यहीं से। तो टेल के लिए देखिए मैंने इस तरह ही दो ये लॉन्ग जो फर है वही काटा हुआ है इसमें। तो अब इसको क्या करेंगे, देखिए लॉन्ग फर को दो मैंने पीसेस इसीलिए काटे हैं क्योंकि एक पीस लगाएंगे तो वो इस तरह से ये जो इसका अंदर का पोर्शन है वो दिखेगा, तो दूसरा पीस मेरे को इसके ऊपर इस तरह से ज्वाइन करना है तो ये लगेगा। अब मैं इसमें क्या करूँगी, क्योंकि ये वाला कट जो है ये हम ज्वाइन करेंगे तो फर में नेचुरली इतना इसको समझ नहीं आएगा, दिखेगा नहीं, तो मैं खाली इस वाले पोर्शन को जोड़ूंगी। ये वाला पोर्शन जोड़ने के बाद मैं इसको सीधा करके और यहाँ पर ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को मैं यहाँ पर रखूँगी और ज्वाइन कर लूँगी। अंदर के साइड पर रखेंगे इस साइड से, सीधे वाले साइड से, तो यहाँ वाला साइड पहले सिल लीजिए, उसके बाद में इसको सीधा करके और ये इस तरह से आपने ज्वाइन करना है इसका। इसको अंदर डालेंगे और इसके बाद में ये जो पोर्शन है ये पोर्शन यहाँ पर रख के, इस जगह पर रख के आपने यहाँ तक सिलाई लगा दीजिए। देखिए अब मैंने इसको फिल कर दिया है, ऊपर का पोर्शन बंद कर दिया है। अब ऑलमोस्ट हमारा जो हॉर्स है वो बनकर रेडी है। अब इसकी थोड़ी सी हम फिनिशिंग करेंगे। फिनिशिंग मैं आपको जल्दी में दिखाती हूँ, मैं सिर्फ आपको इसका भी डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। देखिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर इसकी ये नोज़ लगानी है, तो ये मैं चिपका दूँगी। ये छोटे से मैंने काटे हैं ब्लैक फेल्ट जो मेरा था जिसमें मैंने ये बनाया उसी में मैंने काटा है। इसको यहाँ पर इस तरह से रख के हम मैं गम इससे फेविक जो
फेविकॉल है उससे मैं इसको यहाँ पर चिपका दूँगी। उसके बाद में मैं थोड़ा सा इसकी आईज़ की सेटिंग भी कर लूँगी, तो नीचे से लेके आईज़ थोड़ा सा जैसे हम इसमें करते हैं टेडी बियर में खींच के, उसके बाद में थोड़ा सा दूसरे आईज़ को भी खींच के नीचे बांध दूँगी, तो थोड़ा ये इस तरह से आईज़ इसके हो जाएंगे। उसके बाद ये देखिए मैंने फेल्ट में ही काटा है, इसी ब्लैक फेल्ट में, इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। इसके साथ में यहाँ पर मैं ये सैटिन का रिबन है मेरे पास ब्लैक, तो मैं यही लगाऊंगी। आपकी मर्जी है, आप कोई जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो कलर लगा सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये मैं इस तरह से इसके यहाँ पर लगाऊंगी और यहाँ सैडल में इसमें भी लगा दूंगी, तो इस तरह से हमारा हॉर्स बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा हॉर्स बनके बिल्कुल रेडी है। बड़ा क्यूट सा प्यारा सा हमारा हॉर्स बना हुआ है। इसका जो ये वाला था ना फर का जो कपड़ा, इसको मैंने नीचे से चिपका दिया इसको नीचे की तरफ, और फिर थोड़ा सा इसको ब्रशिंग कर दी है इसके जो हेयर्स हैं उनको, और ये रिबन मैंने इसमें लगा दिया है इस तरह से। और देखिए हमारा क्यूट सा हॉर्स बन के बिल्कुल रेडी है। मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको आज का मेरा ये सॉफ्ट टॉय कैसा लगा, और मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नीचे बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।